राणा सनाउल्ला ने कहा है कि पीपल्स पार्टी सेनेट के मामले पर अपनी गलती तस्लीम करे। पीपल्स पार्टी की बेउसूली काबिल माफी नहीं, इस पर समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राणा सनाउल्ला ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हुकूमत वोट चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई। वोट की इज्जत के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क में आइनों कानून की अमलदारी नहीं है। धांधली का शोर मचाकर आगे आने वाले खुद धांधली की पैदावार हैं। राणा सनाउल्ला का कहना था कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। डस का इलेक्शन चुराने में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खुद मुलव्वस हैं। उनको नाअहल करार देकर सज़ा दी जाए। वोट चोरों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि पीडीएम वोट चोर, चीनी चोर, आटा चोर, अद्वियात चोर के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए जो हिमायत हासिल की वो गलत है। अगर अपोजिशन लीडर लाना चाहती है तो मुतालबा पीडीएम इजलास में रखे। पीपी अगर बेउसूली पर कायम रही तो साथ चलना मुश्किल होगा।